एक गांव में धोबी रहता था, जिसके पास एक गधा था। धोबी रोज गधे से कपड़े धुलवाता और उसे खाने के लिए बहुत कम भोजन देता था। गधा दिन भर मेहनत करता लेकिन भूखे ही रह जाता था। धीरे धीरे गधा कमजोर होता जा रहा था। एक दिन गधा जंगल में घास चरने गया, वहीं उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने गधे से पूछा, तुम इतने कमजोर क्यों हो? गधे ने अपनी सारी समस्या गीदड़ को बताई। गीदड़ ने गधे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ जिससे तुम रोज पेट भर खाना खा सकोगे। पास में एक खीरे का खेत है, रात को हम दोनों वहाँ जाकर खीरे खाएंगे। खेत में कोई नहीं आता, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। गधे को बात पसंद आई और उसने गीदड़ की सलाह मान ली। रात होते ही दोनों उस खेत में गए और पेट भर खीरे खाने लगे। धीरे धीरे गधा फिर से तंदुरुस्त और मोटा होने लगा। एक दिन जब गधा खीरे खाकर बहुत खुश था तो उसने गीदड़ से कहा, मेरा दिल चाहता है कि मैं गाना गाऊं। गीदड़ ने तुरंत कहा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर तुम गाना गाओगे तो खेत का मालिक जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। लेकिन गधा गाने पर अड़ा रहा और बोला, मुझे तो गाना गाना ही है, मैं बिना गाए नहीं रह सकता। गीदड़ ने सोचा कि अब गधा अपनी बेवकूफी से मुसीबत में फंसने वाला है, इसलिए वह तुरंत वहाँ से भाग गया। गधा वहीं खड़ा होकर जोर जोर से रेखने लगा। उसकी आवाज सुनकर खेत मालिक जाग गया और दौड़ते हुए आया। उसने गधे को पकड़ा और उसे खूब पिटाई की। गधे को तब समझ में आया कि गीदड़ सही कह रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कहानी की सीख, समय और परिस्थिति को समझ कर ही काम करना चाहिए, वरना बेवकूफी मुसीबत में डाल सकती है।